हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपको स्वागत है। और हम सोल्व कर रहे थे क्लास एट्थ की एक्सरसाइज 13.1। आज इसका क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसको सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, सपोज 2 किलोग्राम ऑफ शुगर कंटेन 9×10^6 क्रिस्टल। तो अगर शुगर का वेट जो है वो 2 किलोग्राम है तो क्रिस्टल इतने होंगे। वैसे ये बोलता है हाउ मैनी क्रिस्टल जो है, अगर 5 किलोग्राम जो शुगर है उसमें कितने क्रिस्टल होंगे। देखिए यहाँ पे केस वन जो है इसमें हम एक्स वन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे जो उसका वेट है जो कि है 2 किलोग्राम, और वाई वन से नंबर ऑफ क्रिस्टल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि हमें दे रखा है 10^6। मतलब क्या हुआ कि अगर 2 किलोग्राम शुगर है तो उसके लिए उसमें इतने क्रिस्टल होंगे। अब आगे पूछ रहा है कि भाई अगर कितने, हाउ मैनी क्रिस्टल, क्रिस्टल कितने होंगे अगर शुगर जो है 5 किलोग्राम हुई तो। जो वेट है उसको हमने एक्स से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो X2 हमारे लिए हो गया 5 और Y2 हमें निकालना है। फॉर्मूला वही, X1 upon Y1 = X2 upon Y2। X1 हमारे पास 2 और Y1 हो जाएगा 9×10^6 और X2 upon Y2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके आ जाएगा सीधा ही 2×Y2 = 5×9×10^6। तो Y2 क्या बना यहाँ पे, 5×9=45×10^6/2। तो ये डिवाइड कर देंगे इसको, देखिए तो डिवाइड करने पे आएगा 22.5। तो 22.5×10^6 आएगा ये। अब यहाँ पे देखिए इसमें अगर इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं तो तब क्या होता है कि भाई पॉइंट से आगे सिर्फ एक ही डिजिट आना चाहिए डेसिमल से पहले, ठीक है। तो इसको हम छोटा कर रहे हैं, 22 से 2.25 बनाया, तो कितना डिजिट इसको हमने शिफ्ट करा है, सिर्फ एक ही डिजिट शिफ्ट करा, तो यहाँ पे पावर बढ़ जाती है, प्लस हो जाती है, क्योंकि हमने इसको बड़े से छोटा बना दिया। इस तरह से याद रखो आप, और उसके बाद एक डिजिट ही खिसकाया तो इसलिए एक बढ़ जाएगा, अगर यहाँ पे 2 डिजिट खिसकाया तो फिर 2 बढ़ जाता इसमें, ठीक है। तो ये आ गया, तो इतने क्रिस्टल्स हो जाएंगे। अब सेकंड कंडीशन भी ऐसी ही है, इसमें भी वेट ही दे रखा, तो पहले तो हमारे पास वही X1 2 किलोग्राम दे रखा है, तो Y1 हमारे पास है 9×10^6। X2 हमारे पास इस बार हो गया 1.2 किलोग्राम, तो Y2 जो है वो हमें निकालना है, ठीक है। तो या X3 मान लीजिए इसको, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, तो ये भी Y3 हो जाएगा, ये हमें निकालना है क्योंकि X1 और Y1 ये तो सेम ही है यहाँ पे। तो इसमें जो कंडीशन बनेगी वो बनेगी कुछ इस तरह की, फिर से वही X1 upon Y1 = X3 upon Y3, मतलब 2 upon 9×10^6 = 1.2×Y3 क्रॉस मल्टीप्लाई होके 2×Y3 = 1.2×9×10^6। तो Y3 हो जाएगा 1.2×9×10^6/2। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 4.5 ये आएगा, उसके बाद इनको मल्टीप्लाई करा तो 4.5×1.2, तो 10, 8 और 9, 5, 4, 0, 14, 5। तो देखिए पॉइंट के बाद एक डिजिट यहाँ पे, एक तो 2 डिजिट हो गए, तो यहाँ से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ पे लगेगा पॉइंट है, तो इसको लिख सकते हैं 5.4। जीरो लगाने की फिर बाद में ज़रूरत नहीं रहती है, × 10^6। तो ये पहले से ही बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में आया है, पॉइंट से पहले एक डिजिट होना चाहिए जो कि इसमें है ही। तो इतने यहाँ पे भी क्रिस्टल जो हैं वो हो जाएंगे। तो इस तरह से पूरे क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका भी कोई डाउट रहेगा तो एक बार वीडियो को देखना, समझ आ जाएगा। किसी और क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और बाकी ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।